हाय गाइस, आज आपको मैं बताने वाली हूँ न्यूट्रिशन से भरा बिना अंडे का ऑमलेट, ऐसा न्यूट्रिशन से भरा जो आप बच्चे को आसानी से टिफिन में दे सकते हैं। इनफैक्ट आप घर में भी सबको खिला सकते हैं। बहुत से लोग एग नहीं खाते, लेकिन उनसे मिलने वाला जो प्रोटीन होता है वो हमारी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में ना आ जाए, इसके लिए मैं आपके लेकर आई हूँ बिना अंडे का ऑमलेट, जो आपको सारे के सारे न्यूट्रिशन देगा और आपकी बॉडी की सारी डेफिशिएंसी को खत्म करेगा। एक बहुत ही टेस्टी नाश्ता जो आपके बच्चे भी खूब मजे से खाएंगे। तो चलिए, देरी किस बात की, मेरे साथ किचन में चलिए और बनाना सीखिए। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक कटोरी मैदा, एक कटोरी बेसन, दो कटे टमाटर, एक कटा प्याज, चार कटी हरी मिर्च, धनिया अपने अकॉर्डिंग, और साथ में हमें चाहिए 1/4 स्पून काली मिर्च, 1/4 स्पून बेकिंग पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। साथ में हमें इसके चाहिए चार उबले हुए आलू। अब जान लेते हैं इसको तैयार कैसे करना है। इसको रेडी करने के लिए हमें एक बाउल लेना है, उसमें हमें डालना है मैदा, फिर उसमें ऐड करना है बेसन और जो भी हमारे मसाले थे हमें वो इसमें ऐड कर लेने हैं। बेकिंग पाउडर हमें ऐड कर लेना है, काली मिर्च और नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें अपने उबले हुए जो आलू थे वो ऐड कर देंगे और उसके बाद उसको अच्छे से हाथों से फेंट कर उसमें एक गिलास पानी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जब इसमें आप अच्छे से देख लें कि लम्स नहीं रहे हैं फेंटने के बाद, आप इसमें डाल लीजिए हरी मिर्च और उसके बाद इसमें ऐड कर लीजिए प्याज और टमाटर और ऊपर से धनिया आप ऐड कर लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साथ में इसमें ऐड कर लीजिए हल्दी, इससे इसका कलर जो होता है बहुत अच्छा आता है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये फूल जाए, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। जब तक अपने तवे को गर्म कर लेंगे, लो फ्लेम पे रखकर उस पर आप अच्छे से ऑयल लगा लीजिए। उसके बाद आप उसको इस तरीके से कड़छी से आप एक जगह रख दीजिए तवे पर और उसके बाद धीरे धीरे उसको फैलाइए। फैलाने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन हो चुका है। अब इसको हम सिकने देंगे लो फ्लेम पर ही, नहीं तो तेज अगर आप करेंगे गैस तो जल सकता है। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ से बहुत अच्छा पक गया है, अब दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही पका लेंगे और क्रिस्पी कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा बिना अंडे का ऑमलेट बनकर हो गया है तैयार। तो देरी किस बात की, इसको फटाफट से खाओ, इंजॉय करो, चाय के साथ, सॉस के साथ, चटनी के साथ या जैसे आपका मन करता है वैसे आप इसको इंजॉय करो। आपको मेरी ये झटपट रेसिपी कैसी लगी, कितनी टेस्टी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरी इस मेहनत के लिए और आगे खूब सारा शेयर भी कर देना। मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ। आप लोग अपने भी सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि नेक्स्ट रेसिपी मैं किस पे लेकर आऊं, तो उसी पर मैं वीडियो बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।